नमस्कार, सिर्फ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसटीएफ की टीम ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार हुआ बरामद, फैक्ट्री संचालक फरार। शराब माफियाओं के अड्डे पर नाथनगर पुलिस ने मारा छापा, 200 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। शहर में विकास कार्य ठप होने से नाराज पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, मेयर एवं डिप्टी मेयर ने बैठक कर जताया आक्रोश। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अनुबंध पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन ने दिया धरना, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 115 नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र के ढहरपुर गांव में शनिवार को एसटीएफ ने गोराडी पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मिनीगन बनाने वाली जगह पर करीबन 3 घंटे छापेमारी की। हालांकि आरोपी पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने 6 अर्धनिर्मित कट्टा, 2 कारतूस के खोखे, हथियार बनाने का औजार, लोहे की प्लेट सहित भारी मात्रा में संदिग्ध वस्तु बरामद की है। बता दें कि एसटीएफ को ढहरपुर गांव से कुछ ही दूरी पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ और गोराडी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के माध्यम से छापेमारी कर मौके से हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामान को जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार अपराधी अपने साथ बना हुआ कुछ कट्टा लेकर भागने में सफल रहा। वहीं थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शराबबंदी के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्रियां चल रही है। इस धंधे में सफेदपोश से लेकर बाहुबली एवं दबंग भी शामिल है। नाथनगर पुलिस ने चौकी नियामतपुर महाशय डीओडी के समीप शराब कारोबारी राजेंद्र चौधरी के घर अहले सुबह छापेमारी कर 50 लीटर निर्मित शराब एवं 200 लीटर अर्धनिर्मित देशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी के घर में देशी शराब की मिनी फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने उसके घर से 4 गैस सिलेंडर, 4 भट्टी, कच्चा महुआ एवं अन्य उपकरण भी बरामद किया है। छापेमारी को लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चौकी नियामतपुर निवासी राजेंद्र चौधरी के घर छापेमारी की गई और 50 लीटर निर्मित एवं लगभग 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद किया गया। भागलपुर नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में इन दिनों समन्वय का अभाव दिख रहा है। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी पर मेयर सीमा साह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बात नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं नगर आयुक्त से नाराज नगर सरकार निगम प्रशासन को घेरने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर रविवार को डिप्टी मेयर के आवास पर पार्षदों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार से निगम परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, साथ ही निगम प्रशासन के काले कारनामों की पोल खोली जाएगी। नगर आयुक्त का एकदम सुस्त रवैया जो देख के, क्योंकि जनता तो परेशान है ही, साथ में सारे पार्षद भी परेशान हैं कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि जनता से जब हम लोग गाली सुनते हैं तो हम आप प्रशासन को भी शांति से नहीं रहने देंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ा प्रशासन का रवैया होना चाहिए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना के लेके, ये सिर्फ आवाज़ पे ही रहती है, आवाज़ पे क्या करती है पता नहीं। आप फ़ोन कीजिए तो कहिए कि हम बीसी में हैं, बैठक है, स्मार्ट सिटी का बैठक है, बहाना करती है हमेशा। अब कोई काम नहीं करती है, एक संवेदक को पेमेंट भी नहीं होती है, साथ में कोरोना में जितना खर्च हुआ उसका तो एक भी हिसाब ना तो अस्थायी समिति में पास किया है, ना बोर्ड की बैठक में पास किया है। लगातार पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त महोदय को सभी समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो पूरी ईमानदारी से पूरे कोरोना काल में दिन रात एक कर काम कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जब जनप्रतिनिधि के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, समय पर हमको भुगतान नहीं होता है, जो वार्डों में संवेदक काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्माण कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि साल साल भर हो गया अभी तक तुम्हारे तरफ से ना रोड पूरा किया गया ना नाला पूरा किया गया, उसके द्वारा जब ये बताया जाता है कि नगर आयुक्त के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो आखिर नगर आयुक्त किसी बड़ी योजना की उम्मीद हम नगर आयुक्त से कैसे कर सकते हैं। बिहार सरकार स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर रविवार से जिले के सभी संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस दौरान भागलपुर सदर अस्पताल स्थित डीपीएम कार्यालय के सामने धरना पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों की 17 सूत्री मांग पूरी नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संघ के अध्यक्ष विनय कुमार उपाध्याय ने कहा कि कोरोना काल में सभी संविदा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवा दी है, फिर भी सरकार अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का शोषण कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर सदर अस्पताल के हेल्थ मैनेजर मोहम्मद जावेद ने बताया कि हड़ताल पर जाने की सूचना जिला प्रशासन और सिविल सर्जन को दे दी गई है। बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच करीब 150 से अधिक संविदा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। कोविड-19 में हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उसमें बहुत से हमारे NHM कर्मी कोविड से पीड़ित हो गए और उनको देखने वाला कोई नहीं था, बड़ी मुश्किल से वो उभरे हैं और सरकार से हम लोग नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 10 सालों से हम लोगों का वेतन वृद्धि नहीं किया गया है। हम लोग 17 सूत्री मांगों के लिए पूरे बिहार में सभी संविदा कर्मी और NHM कर्मी ठेकेदारी प्रथा को बंद करने, आउटसोर्स सेवा को बंद करने के लिए हम 17 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल पर हैं। जिले में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार द्वारा लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कोरोना के संक्रमितों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रविवार को आई ताजा रिपोर्ट की बात करें तो भागलपुर में 115 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 25, मुंगेर से 35, पूर्णिया से 79 एवं राजधानी पटना से 203 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रविवार को बिहार में कुल 2247 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बावजूद लोग ना तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बच रहे हैं और न ही घरों में रहना जरूरी समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही कोरोना संक्रमितों में हो रही वृद्धि का कारण है। भागलपुर बाईपास के समीप 2 एकड़ जमीन में बना है पौधा अनाथालय। वनस्पति विज्ञान के छात्र रहे एवं वर्तमान में भागलपुर समाहरणालय के कर्मचारी दीपक झा ने पौधा अनाथालय बनाया है। इस अनाथालय में फेंके हुए पौधों को संरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा दीपक ने पौधा बैंक का भी निर्माण किया है, जहां लोग पौधा को दूसरे शहर जाने से पहले जमा कर देते हैं और वापिस आकर ले जाते हैं। पौधे के अनाथालय निर्माण की प्रेरणा उन्हें अपने दोस्तों से मिली और वो पौधे के शौकीनों को पौधा मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। अक्सर लोग छत पर गमला लगा लेते हैं शौक से, और पौधा जब बड़ा होने के साथ साथ उसका वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से क्या होता है, गमला फटना शुरू हुआ, छत पे लोड बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे उसको अब लाचारी हो गया कि उस पौधे को हमको हटाना है। ज़मीन उनके पास होता नहीं है कि वो ज़मीन में लगा दें, तो उसको एक निश्चित अवधि के बाद या तो बड़े पॉट में या ज़मीन में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी क्रम में मुझे एक दो मित्र से मिला प्रस्ताव कि अब इसको फेंक देते हैं। हम बोले ना फेंकिएगा क्यों, इसको दे दीजिए मेरे पास, हम इसको जमीन में लगा देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है।
भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के बाजारों में निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुली रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन काफी सख्त रवैया अपना रही है। शनिवार की देर शाम सदर SDO आशीष नारायण और CTDSP राजवंश सिंह ने बाजार में घूम घूम कर खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही कई दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया। SDO आशीष नारायण ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुकान खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कई दुकानदार आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। SDO ने ऐसे दुकानदारों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बाजार में पैदल भ्रमण कर मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया। मुंगेर जिला अंतर्गत संग्रामपुर तारापुर मुख्य मार्ग धनकुंडा के समीप रविवार की अहले सुबह सड़क किनारे लगी पीपल पेड़ से मिनी हाइवा की जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में 25 वर्षीय चालक चकवारा पंचायत दीदारगंज निवासी आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सराय पंचायत बलिया निवासी खलासी भरत यादव की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया गया कि संग्रामपुर की ओर से आ रही मिनी हाइवा अनियंत्रित होकर धनकुंडा के समीप एक पीपल की पेड़ से टकरा गई, जिसमें हाइवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद घायल खलासी को संग्रामपुर पुलिस द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया। संग्रामपुर थाना अध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। कई जगहों पर शराब माफिया धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। रविवार को अमरपुर पुलिस ने शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक युवक के पास से 75 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। पकड़े गए युवक का नाम पंकज दास बताया जा रहा है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि पकड़ा गया युवक बलिया से शराब लेकर अपने घर सिंघनान जा रहा था, जहां वह शराब बेचने का कारोबार करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी तस्कर से पूछताछ कर रही है। भागलपुर नगर निगम में 200 के करीब योजनाओं का टेंडर होने के बावजूद उस पर काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित है। कई योजनाएं ऐसे हैं जो 2 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और ये योजनाएं सामान्य और सशक्त स्थायी समिति की बैठक से पास होने और टेंडर हो जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि से लेकर विधायक विकास कार्य में विलंब होने से काफी खफा है। पार्षदों ने जहाँ नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं विधायक ने अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा भी टेंडर होने के बाद 199 योजनाओं के लंबित होने की बात को स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही वर्क ऑर्डर देकर काम शुरू करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। टेंडर हुए, इकरारनामा नहीं हुआ, जिसका इकरारनामा वर्क ऑर्डर सब में मिली भगत है। सब लोग कुछ न कुछ उनको अपना स्वार्थ है, इसीलिए वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मैंने कई बार नगर आयुक्त तो फोन नहीं उठाती है विधायक का, उपनगर आयुक्त जो है वो उठाते भी हैं
तो मैं कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ पत्र के माध्यम से, आप देख लीजिए, लेकिन कोई धरातल पे काम नहीं है, सिर्फ लूट मचा हुआ है। इस नगर निगम में लेन देन का माला अटकता है और लेन देन जब नहीं होता तो वो काम नहीं हो रहा है। पूरा शहर में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लूट मचा हुआ है, मैं आपको बता दूं। भागलपुर बड़ी बंजरपुर स्थित सत्यम शिवम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन रविवार को भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने फीता काट कर किया। वहीं सत्यम शिवम कंस्ट्रक्शन के निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कंपनी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। प्रबंधक ने बताया कि यहां SSCPL भवन निर्माण से लेकर सभी तरह के सिविल वर्क किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का फर्म युवाओं को रोजगार देगी। मौके पर संजय राणा, प्रिंस श्रीवास्तव, प्रशांत बनर्जी, राम विनोद सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। यह वैसे तो देखने से कंस्ट्रक्शन कंपनी का उद्घाटन लगता है, लेकिन एक नए दौर के नए बिजनेसमैन के लिए एक नया एस्टेब्लिशमेंट है, और हमको लगता है कि जो राजेश जी हैं वो उभरते हुए बिजनेसमैन हैं इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दिशा में, और इन्होंने जो संघर्ष किया है वो हमने देखा है नज़दीक से। हम लोग अगले साल 2021 में रियल एस्टेट में भागलपुर और देवघर में हम लोग आ रहे हैं। लोगों को मूलभूत सुविधा यानी बिल्डिंग होना है, घर होना है, सस्ते दर पर हम लोग बना के देंगे। बांका के फुल्ली डूमर अंतर्गत माता थान दुर्गा मंदिर परिसर में प्रदेश वार्ड सचिव संघ के बैनर तले प्रखंड वार्ड सचिव संघ की बैठक रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन जिला वार्ड सचिव संघ के संयोजक राजेश कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में वार्ड सचिवों ने सरकार से उनके साथ सतौले व्यवहार बंद करने एवं उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्ण निर्णय लेने की मांग की। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार यादव ने सरकार से वार्ड सचिवों को भी अपनी विकास की राजनीति का अंग मानने का निवेदन किया। नाथनगर स्थित श्री चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की उपासना भक्ति भाव पूर्वक की गई। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में फैली महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए इसका आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सादगीपूर्ण किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर पंडित जागेश शास्त्री ने प्रवचन कर कहा कि 10 लक्षण महापर्व के 10 दिन हमारे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए स्वर्णिम अवसर है। कभी कभी एक क्षण का संस्कार हमारी भावी जन्म परंपरा में बदलाव ला देता है। समारोह में नरेश काला, पवन गंगवाल, संजय वियांका, सुभाष छावड़ा सहित कई लोग उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसटीएफ की टीम ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार हुआ बरामद, फैक्ट्री संचालक फरार। शराब माफियाओं के अड्डे पर नाथनगर पुलिस ने मारा छापा, 200 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। शहर में विकास कार्य ठप होने से नाराज पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, मेयर एवं डिप्टी मेयर ने बैठक कर जताया आक्रोश। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर अनुबंध पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन ने दिया धरना, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 115 नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 5000 के पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।